प्रथम तहलका न्यूज और यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यमुनानगर के रादौर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आपको बता दें कि पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के पास भेजा अपना इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो यमुनानगर से आ रही है, जहाँ रादौर में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने बीजेपी की पार्टी को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं पर समर्थन के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो यमुनानगर से आ रही है, जहां रादौर में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने भाजपा पार्टी को छोड़ दिया है। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के पास उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। और आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं पर समर्थन के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो यमुनानगर से आ रही है, जहां यमुनानगर के रादौर में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या मैटर था आज भारतीय जनता पार्टी से आमतौर पर जो समस्याएं आज के वर्तमान की वो सॉल्व नहीं हो रही। किसानों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, प्रदेश की भी समस्या है, हमारे विशेषकर हरियाणा की, पंजाब की। इन चीज़ों को देखते हुए आज 18 डिग्री मंडी के अंदर बोली नहीं हो रही। ये सरकार का पहले से इंतजाम होना चाहिए था। और किसान परेशान है क्योंकि हम किसान होने के नाते से पहले किसान है, फिर जाके गरीबों की सरकार ने कार्यकर्ता। ठीक है, तो किसी और दल में जाएंगे सर? राजनीति तो करेंगे, जो किसान हित की बात करेगा उसके साथ। तो जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किया उसके विरोध में आप पार्टी छोड़ रहे? देखिए, अध्यादेश के अंदर कुछ सुधार होने चाहिए थे, इसको पूरी तरह से करने चाहिए थे। अगर ये पुरानी व्यवस्था ठीक नहीं लग रही थी तो ये व्यवस्था के साथ साथ दूसरी व्यवस्था को खड़ा करना चाहिए। और किसान की जो कुशादा जाती है वो व्यवस्था इससे ठीक है, किसान अपने आप छोड़ देते हैं। पहले किसी को ख़त्म करो और दूसरी व्यवस्था तैयार ना हो तभी जाके ये समस्याएं खड़ी हुई है। इन समस्याओं का समाधान होना तभी संभव है ना, जब भी पुरानी व्यवस्था चलती है। और नई व्यवस्था को अगर खड़ी करने है तो इसके देख कर किसान आश्रय कर लेगा, पहले उसको किसी बात के लिए मजबूर ना करो। यही मेरा प्राथमिक स्तर से आज इस्तीफा दे दिया आपने। हाँ, पार्टी से इस्तीफा देंगे, सारे पदों से इस्तीफा देंगे। इस्तीफा किसको भेजा जाए? इस्तीफा ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक पार्टी का जाए। तो आगे की रणनीति क्या होगी सर? आगे की रणनीति राजनीति हम करेंगे, इसमें कोई राय नहीं। कब तक फैसला लेंगे सर? जल्दी फैसला लेंगे। कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है? कार्यकर्ताओं से राय कर लेंगे। ठीक है।